नमस्कार दोस्तों, एबीसी हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किडनी स्टोन का दर्द न केवल असहनीय होता है, बल्कि ये व्यक्ति का हाल बिल्कुल बेहाल कर देने वाला होता है। अक्सर कमर के दर्द में लोग मामूली दर्द समझकर इसे पेन किलर लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कई बार करना घातक साबित हो सकता है। पीठ और कमर में दर्द हो तो ये कई बार किडनी के इन्फेक्शन या किडनी में पथरी होने के कारण भी हो सकता है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि हमारा ये कमर दर्द कहीं किडनी की पथरी के कारण तो नहीं है। किडनी की पथरी होने पर दर्द कहाँ कहाँ होता है और किडनी की पथरी होने पर उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में सब कुछ सच सच जानने के लिए आप पूरी वीडियो को बगैर स्किप के अंत तक देखिए। और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी के कुछ मुख्य लक्षण दर्द के अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे पेशाब करते समय दर्द का होना, मूत्र में खून का आना, मूत्र से असामान्य गंध आना, मूत्र में धुंधलापन होना, एक बार में थोड़ा सा ही मूत्र आना, बार बार पेशाब करने की इच्छा का होना, ये सब किडनी में पथरी होने के लक्षण हो सकते हैं। अगर कमर में हल्का दर्द हो तो ये किसी आम दर्द की तरह ही है, जिसे दवाओं या बाम से सही किया जा सकता है, लेकिन लगातार एक ही जगह पर बहुत तेज दर्द हो तो ये किडनी से संबंधित हो सकता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि हमारी दोनों किडनियां दोनों साइड में पीछे की ओर पीठ की दीवार से लगी हुई होती हैं। ये दोनों किडनियां वर्टिब्रा के अगल बगल पर होती हैं, जहां पसली यानी कि रीब खत्म होती है। अगर किडनी में किसी तरह का संक्रमण हो जाए या फिर किडनी में पथरी हो तो पीठ के साइड में नीचे की तरफ यानी कि कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस किया जा सकता है। कई बार यह दर्द पेट के निचले हिस्से के साइड में भी महसूस किया जा सकता है। इसका दर्द पेट या पीठ में कहीं भी हो सकता है। ये दर्द दो वजह से हो सकता है, पहला किडनी में इन्फेक्शन और दूसरा किडनी में पथरी के कारण। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किडनी स्टोन से छुटकारा पाने के बारे में मैंने एक 100% कारगर घरेलू नुस्खा बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इससे न दर्द न झंझट, बिना ऑपरेशन आपकी किडनी स्टोन गलकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगी। तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। पथरी खनिज और नमक का संग्रह होता है, जो ज्यादातर कैल्शियम और यूरिक एसिड से बना पत्थर होता है। जब हमारे शरीर के कुछ खनिज मूत्र में जमा हो जाते हैं तो गुर्दे के अंदर पत्थर बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह छोटी सी जानकारी आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आयुर्वेदिक घरेलू इलाज से संबंधित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।